अभी मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था, आपको काफी रिसेंटली हैकिंग के मेल्स भी काफी आ रहे हैं, लाइक या सो हैकिंग का मतलब, एक्चुअली मुझे हैकिंग के बारे में उतना, मेरे को ऐसा लगता था इनिशियली अंटिल योर केस हैपेंड, कि मुझे मतलब लगता था कि यूट्यूब इज क्वाइट सिक्योर, मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो फिर खत्म, अब इससे आगे कौन हैक कर सकता है, ठीक है। तो दैट वॉज माई परसेप्शन, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ वेरी स्ट्रांग थिंग, बिकॉज बैंक भी ये यूज करती है, तो इफ इट्स दैट इजी टू हैक तो मतलब बहुत दिक्कत है। बट देन आई सॉ योर चैनल, आई वॉज एक्चुअली फॉलोइंग योर चैनल फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग बैक, मतलब मैं फॉलो कर रहा था और मेरी वाइफ भी काफी देखती है आपके चैनल, तो हम लोग काफी इंजॉय करते थे, तो अचानक एक दिन देख रहे हैं कि ठीक है हैक हो गया करके, तो इट वॉज लाइक अ शॉक फॉर मी। वो इवन फॉर अस, लाइक हमने टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करके रखा था, ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे, बट देन उसका इश्यू ही पता नहीं क्या सीन चल रहा है, वी डिडंट इवन ओपन एनी लिंक और समथिंग, बट आर फार फेस्ट स्टोरी इज दी, मेरा जो एनिमेटर है योगेश, उसने अपने पीसी में कोई गेम डाउनलोड किया था, तो उसके थ्रू रैनसमवेयर आया था उसके पीसी में, तो उसके पीसी में शायद से डिफॉल्ट पे क्रोम में योगी बाबा का ही लॉग इन था मेरे ख्याल से, तो मे बी वहां से दे रेप्लीकेटेड दी होल आईडी एंड एवरीथिंग, सो वहां से हुआ कुछ। तो एक्चुअली आई डिड क्वाइट अ रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर योर केस हैपेंड, बिकॉज मेरे को मतलब अचानक से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टाइप हो गया था, कि मतलब अब तो मतलब खत्म है, क्यों कर रहे हैं ये सब फिर, मतलब क्योंकि इन एग्जैक्टली, योर अगर केस यू इंडियन क्लियरली हैक हुआ ना, सेड, एग्जैक्टली वो, अगर इंडियन हैक ही हुआ ना तो फिर खत्म है। हाँ बिकॉज आपने तो क्लियरली बोला था आपके केस में, वी इवन हैड इंटरेक्शन, यू सेड कि आपका मतलब आपने कोई लिंक ओपन नहीं किया है और सब कुछ था, तो मतलब देर वॉज नो चांस कि वो हैक हो जाए, तो बस वही था। तो फिर व्हेन आई लुक्ड इनटू इट, तो मतलब सिंस आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं इंजीनियर ही हूँ, अभी भी जॉब कर ही रहा हूँ, तो आई केम टू नो कि वो लोग एक्चुअली सेशन हाईजैक करते हैं, ठीक है। तो द वे इट वर्क्स आउट इज कि आपका जो यूट्यूब होता है उसके अंदर कुकीज होता है, पता होगा, तो मतलब आपके क्रोम ब्राउजर के अंदर, तो आपका एक सेशन क्रिएट होता है वेन एवर यू लॉग इन, दैट इज वाई अगर आप एक पर्टिकुलर पीसी से लॉग इन हो और अगर आप क्रोम पे जाते हो तो आप डिफॉल्ट उसी यूट्यूब पे खुलते, मतलब आपका खुलता है, बट दैट्स नॉट द केस विद बैंक्स। बैंक्स पे क्या होता है, आपका सेशन टाइम आउट हो जाता टाइम है, आउट हो जाता है। इवन इफ यू लीव इट आइडल फॉर लाइक 1 मिनट, वो टाइम आउट हो जाता है, और अगर आप वापस से SBI या किसी भी बैंक के साइट पे जाते हो तो आपका सेशन वापस नहीं रहता है, बट यूट्यूब हैज मेड इट लाइक दैट कि आपका सेशन रहे, बिकॉज नॉट एवरी टाइम यू शुड बी लॉगिंग इन, मतलब हर जगह, दैट्स हाउ इट वर्क्स ऐप में भी। तो वो क्या करते हैं, जैसे कि उन्हें बताया कि उन्होंने एक गेम डाउनलोड किया बाहर से, तो अब जो वो रैनसम वेयर आया वो आपके ब्राउजर में गया और वो आपका सेशन को हाईजैक कर लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब वो अपने पीसी पे सेम सेशन को रिक्रिएट किया, तो मतलब YouTube को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कहीं दूसरे पीसी से लॉगिन हो रहा है, इसको ऐसा ही लग रहा है कि आपके ही पीसी से लॉगिन हो रहा है बेसिकली। सो बिकॉज आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है तो यू नीड क्या बोलते हैं उसको, अ पीसी दैट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर देयर, लाइक रिमेंबर दिस पीसी। हाँ लेकिन उनका वैसा केस ही नहीं है, उनको पासवर्ड तक नहीं डालना पड़ा, वही लोग बोल रहे हैं कि मैंने लिंक नहीं क्लिक किया, ओके नहीं किया, ये बात एकदम अंडरस्टैंडेबल, लेकिन हो क्या गया, यहाँ सेशन हाईजैक हो गया पूरा, तो अब वो वहां पर फिर कैसे बढ़ते हैं, बिकॉज द मोमेंट दे लॉगआउट उनका खत्म हो जाएगा, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले एज अ अपने आप को एक और यूजर ऐड करते हैं ईमेल आईडी, ठीक है, एंड देन व्हाट दे डू इज कि वो उस ईमेल आईडी, आपका जो चैनल है वो किसी दूसरे ईमेल आईडी पे पूरा ट्रांसफर कर सकते, मतलब द ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आईडी। हाँ तो वो काम करते हैं, ओनरशिप को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं उस चीज पे, तो अब क्या होता है कि इस कारण से आपका चैनल हो जाता है हैक, तो मतलब यूट्यूब को भी पता है ये बात, ठीक है, और यूट्यूब इसको रिजोल्व करने के लिए उनका भी यही स्टेप है कि आपके मतलब सेशन को ठीक करके आपके चैनल को वापस से उस ईमेल आईडी से एसोसिएट करता है। आई डोंट नो व्हाट टुक देम सो मच ऑफ टाइम आपका चैनल रिस्टोर करने में, बट मेरा प्रोसेस तो यही भी ठीक है। है, नहीं मेरा तो भी ठीक है, मुझे मेरा 1 मंथ में मिल गया था, बट देयर दिस क्रिएटर कॉमन राज, उससे हाँ लिटरली 108 दिन लगे, मतलब बकायदा 3 महीने से ज्यादा लगे उसको उसका चैनल मिलने के लिए। हाँ अब नाउ आई कैन जस्ट इमेजिन, अगर वो बंदा सिर्फ यूट्यूब पे मतलब इफ ही इज लाइक अ फुल टाइम यूट्यूबर, ही इज उसकी हालत खराब हो गई थी, मेरी मेरी मुझसे बात होती थी, उसकी डेली होती थी। तो 3 महीने, तो मतलब इट्स वेरी स्केरी। तो उसके बाद से मतलब इवन आई हैव चेंज्ड मेनी थिंग्स, सबसे पहला तो वो मतलब वो मुंबई कर निखिल का एक वीडियो देखी थी, उस टाइम मैंने रिसर्च करी नहीं थी, तो मैंने तो वो भी लिया, एक पेन ड्राइव आता है ना मतलब सिक्योरिटी के, सो आई टुक दैट, लेकिन पॉइंट यही है कि सिक्योरिटी की भी इट इवन दैट वोंट हेल्प अगर आपका सेशन हाईजैक हो जाता है तो। नहीं, बिकॉज सीन ऐसा है कि अगर मैं टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है मैंने, सो आई यूज OTPs, सो दैट कभी मुझे लॉग इन करना है तो मुझे OTP आए ही, उसके बिना मैं लॉग इन कर ही ना पाऊँ। तो अगर मुझे हर बार मैं अगर सेशन, क्योंकि मैं डेली बेसिस
बेसिस पे चेक करता हूँ अपने स्टार्ट्स एनालिटिक्स वगैरह, तो अगर मैं डेली उसको हर एक दो घंटे बाद ऐसे लॉग इन करने लगूँ तो मेरे लिए एक हेक्टिक हो जाएगा एक काइंड ऑफ, तो वो दिक्कत है। बिल्कुल, और फोन में भी बहुत दिक्कत हो जाता है ना, अगर आप सिक्योरिटी की रखते हो फोन में आपको लॉग इन करना है तो हाउ विल यू यूज इट, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग सपोज आईफोन, तो उसमें तो बहुत दिक्कत होगा, तो वो भी एक इशू है। तो यूट्यूब वॉन्ट टू मेक्स इट यू नो वेरी इजी फॉर अस टू फॉर क्रिएटर्स टू लॉग इन मीन वाइल कीपिंग एवरीथिंग सेफ, बट प्रॉब्लम इज कि फिर भी सेफ नहीं है, ये बात तो क्लियर है। एंड एनी क्रिएटर हु इज वॉचिंग दिस मतलब दे शुड नो कि इट्स नॉट सेफ, तो यू शुड नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक्स और लिंक्स छोड़ो आप, अगर आप पायरेटेड कुछ भी इधर उधर से निकाल रहे हो या फिर नॉर्मल अगर आप एक गेम भी डाउनलोड कर रहे हो जो कि ट्रस्टवर्दी सोर्स से नहीं है, फ्री गेम्स है, तो डेफिनेटली बी केयरफुल, बेटर है कि अपना लॉग आउट करके फिर आगे यूज करो तो काफी बेटर है। हाँ, वो बेटर है, और उससे भी बेटर है कि मतलब एक पीसी में रखने का ही नहीं है सब चीज। तो दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, सो दिस इज द टिप्स व्हाट आई वुड गिव कि आप मतलब जैसे कि इफ यू कैन इफ यू हैव दैट, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, बट इफ यू हैव दैट तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास ऐसे एक लैपटॉप है और एक पीसी है, तो आप पीसी में अपना एडिटिंग करते हो या गेम्स खेलते हो तो उसमें लॉग इन ही नहीं करने का, exactly. उसमें सारा काम करने का उसमें हाथ ही मत लगाओ अपने चैनल को, एक बार वीडियो डन है तो उसको गूगल ड्राइव पे डालने का, फिर अपने जो पीसी जिसमें कुछ नहीं करते सिर्फ पीसी है नॉर्मल सा है उसको वापस डाउनलोड करने का, वहां से अपलोड करने का। आई नो इट टेक्स थोड़ा सा ज्यादा टाइम, बट अगेन इट्स सेफर, बट देन एक बार चैनल हैक हुआ तो एक दो महीने वेट करने से बेटर ही, कितना भी हेडेक। हाँ, उससे तो बहुत बेटर है ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना। तो अभी तो मैं पर्सनली यही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, बट स्टिल आई कैन नॉट से कि हैक नहीं हो सकता, हैक तो किसी भी दिन हो सकता है, क्या पता कल कौन सा नया तरीका निकाले ये लोग हैक करने का, कुछ भरोसा नहीं। और अभी मतलब लिंक भी लास्ट मतलब कल या परसों आई वॉज वॉचिंग सम वीडियो, और उसमें था कि एक बंदे को आई डोंट रिमेम्बर द यूट्यूब चैनल, बट उसमें आया था एक बंदे को एक लिंक था, दे वर सेइंग कि आपका मतलब मैसेज था इंस्टाग्राम में, एंड दे वर सेइंग कि आपका आईडी और आपका फोटोज किसी एडल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया, यू नीड टू चेक इट आउट एंड टेक इट डाउन। नाउ दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, मतलब किसी के को भी आएगा तो एक सेकंड के लिए तो बंदा डर जाएगा बिल्कुल। Exactly. And the moment you open that link, वो आपके session को replicate करेगा। But that guy was like smart enough, he asked for screenshots, कि अगर ऐसा है तो you can send me some screenshots, then I'll open the link. तो वो बंदा फिर गुस्सा होने लगा कि नहीं नहीं आप क्यों नहीं लिंक ओपन कर रहे करके, तो वहाँ मतलब बस्ट हो गया। आजकल तो मुझे कोई स्पॉन्सर का भी मेल आता तो पहले मैं लिंक कॉपी करके अपने मतलब एडिटर को भेजता हूँ, तो वो दूसरे फोन में अपना लॉगिन करके चेक करता है पहले लिंक सेफ है कि नहीं, उसके बाद में भी वर्क ऑन इट। वही तरीका ही है, दैट इज लाइक द बेस्ट वे। आई नो इट्स थोड़ा सा टीडियस हो जाता है, यू कैन नॉट इंस्टेंटली रिप्लाई और समथिंग, बट आई थिंक दैट इज द वे टू गो। मैं भी जिस फोन में यूज करता हूँ मतलब लिंक्स वगैरह ओपन करता हूँ, तो मेरे पास दो पीसी तो नहीं है, पीसी तो एक ही है, लेकिन मैं लिंक्स वगैरह मतलब जो यूज करता हूँ तो मैं एक दूसरा फोन है, मेरे पास फोन दो है, तो दूसरे फोन पे ही सारा लिंक्स ओपन या सारा जो ईमेल एड्रेस वगैरह आता है वो सब कुछ करता हूँ। एंड देयर इज वन मोर थिंग, अगर आप जैसे जिस चैनल से ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल एसोसिएटेड है तो डोंट गिव अवे दैट ईमेल। ओके, या या या, वो भी मैंने एक चीज काफी नोटिस करी, इसलिए मैंने अभी रिसेंटली चेंज किया, पूरा सब कुछ चेंज कर दिया, आई मेड अ न्यू ईमेल आईडी टू कांटेक्ट पीपल फॉर। हाँ, तो वो आप लॉग इन करके रखो पीसी पे, इवन इफ दैट गेट्स हैक तो ठीक है रख लो यार, ईमेल पढ़ लोगे बिजनेस वाले और क्या, तो कुछ वैसा होगा नहीं खास। तो दीज आर सम थिंग्स आई थिंक पीपल कैन फॉलो। इफ यू आर क्रिएटर जो आप रेगुलरली अपलोड कर रहे हो, एंड स्पेशली इफ यूट्यूब इज द ओनली थिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल नो मैटर व्हाट, बिकॉज वो तो मतलब है अभी ऐसा सीन है हैकिंग का आ रहा है, क्योंकि मैं अभी जैसे आपने इंस्टाग्राम की बात की, मैं देख रहा हूँ नॉट जस्ट यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे मतलब एक दिन में मेरे को ऑलमोस्ट 30 टाइम्स समवन ट्राई टू रीसेट माय पासवर्ड, 30 टाइम्स मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, मतलब सम पीपल आर जस्ट सेइंग इट, सम पीपल आर सेफ सो दे आर नॉट सेइंग इट। अभी एक मुंबई का निखिल के साथ आती है, एक शैनिस नाम है शायद, उन्होंने भी एक वीडियो अपलोड किया था, एंड शी वाज सेइंग कि उनका भी सेट करने का कोशिश किया गया था, रीसेट करने का पासवर्ड ऑन इंस्टाग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब पे भी रोज ईमेल्स आते हैं, मतलब दे काइंड ऑफ यू कैन से अडैप्ट, मतलब जैसे कि फर्स्ट ईमेल आया उसमें $4,000 दे ऑफरिंग, आई डोंट नो हाउ अनरियलिस्टिक अमाउंट देते हैं एकदम। हाँ, और फिर दे स्टार्ट अडैप्ट, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीख, दे आर लर्निंग। पहला ईमेल था वो मतलब अच्छा भी नहीं दिख रहा था, फिर जो अगला ईमेल आया वो थोड़ा और फॉर्मल हुआ, फिर जो नेक्स्ट ईमेल आया एक तो वो तो मैं कंफ्यूज ही हो गया कि ओरिजिनल है या फिर मतलब सच में ऐसा है, क्योंकि उसमें वो पैसे की बात भी नहीं कर रहे, दे आर लाइक वी विल डिस्कस फर्दर वंस यू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर एंड, लेकिन हाँ पता चल ही जाता अल्टीमेटली, मतलब इतना भी तो नहीं, स्पेशली इफ अगर वो लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोल रहे थे तो डेफिनेटली वो कुछ झोल है ही उसमें, दैट इज अ बिग नो। अगर वो बोल रहे हैं कि यू विल हैव टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर try it, that is a big no, मतलब जैसे ही ऐसा बोला आप clear कर लो कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है। और even if it's an app जो तुमको promote करना है, so ask them to give you a play store का link instead of any of the site का link, that is better, क्योंकि तुम तो download कर लोगे तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारा देख के और लोग जो download करेंगे उनकी भी लगेगी साथ में। हाँ, और अगर play store पे app है तो मान के चलो even if the app somehow is not good तो you have a reason कि नहीं, मतलब that's how you trust it, right? You're not a developer, exactly. तो you don't know कि code के अंदर क्या है, but if it's on play store तो ये Google
गूगल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो प्ले स्टोर पे वैसे आपको डाला ही क्यों जो कि इस तरह का था. तो यू कैन क्लियरली से कि मतलब इट्स नॉट योर फॉल्ट एक्चुअली, इट्स नॉट योर फॉल्ट बिकॉज तुम तो ऐसे ही वेरीफाई करोगे, बट इफ इट्स नॉट फ्रॉम प्ले स्टोर देन तो डेफिनेटली डोंट गो फॉर इट. हां, फिर तुम पे ही क्वेश्चन उठेगा ना कि मतलब हाउ डिड यू इवन प्रमोट दैट. अभी आजकल मुझे काफी सारे गैम्बलिंग वेबसाइट्स के भी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं. हाँ, तो गैम्बलिंग वेबसाइट्स आई थिंक मतलब वो भी काफी कुछ मतलब चल रहा है अभी स्पॉन्सरशिप का. तो मतलब इनिशियल फेज में देयर वर मेनी वेबसाइट्स जहां पे लोग किए स्पॉन्सरशिप एंड इट वाज गुड एंड इवन दोज एप्स वे आई गेस लेजिट, बट इशू है कि उस चीज को अब नाउ दे हैव स्टार्टेड, हैकर्स हैव स्टार्टेड रेप्लिकेटिंग. गैम्बलिंग एप्स का क्या है कि अगर इफ यू सर्च तो दे आर मेनी एड्स जो कि गूगल में सर्च रिजल्ट में पहले आएगा एंड आफ्टर दैट जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही फेमस हो. तो यू गेट कन्फ्यूज कि मतलब ये सही है या नहीं है, तुम पता नहीं चलता है बिल्कुल भी. यू डोंट हैव एनीथिंग टू चेक इट आउट ना, वैसा सीन हो जाता है. ऐसा सीन है. तो आई वुड रादर से कि कोई भी ऐप चाहे वो गैम्बलिंग ऐप हो कुछ भी, अगर वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे नहीं है तो आई थिंक इट्स अ बिग नो. और एनी वेज गैम्बलिंग ऐप तो मेरे को ऐसा भी लगता है कि मतलब नहीं करना चाहिए बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स वेरी गुड. बट इवन इफ यू आर डूइंग इट, आई डोंट नो, मतलब हर एक क्रिएटर का अपना चॉइस होता है, आई कैन नॉट कमेंट, बट इवन इफ यू आर डूइंग इट आई थिंक कि हैवी बैकग्राउंड चेक अभी तो बहुत, अभी के सिचुएशन में बहुत जरूरी है. आजकल में तो बहुत ही चेक करना पड़ेगा, नॉट जस्ट रिलेटेड टू हैकिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं, 2020 है. हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, मतलब यू कैन नॉट से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. और अभी का जो सिचुएशन है COVID-19 सिचुएशन है, इसमें तो इवन अगर चैनल किसी का हैक होता है, आई डोंट थिंक यूट्यूब हैव एन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन देयर कंपनी राइट नाउ, ऐसा है नहीं. नॉट एट ऑल, सब वर्क फ्रॉम होम ही है और सब इतने ही एम्प्लॉइज से काम चला रहे हैं जितना एसेंशियल्स है. एग्जैक्टली, सब ने अपना, इवन इंस्टाग्राम ने भी अपना एम्प्लॉइज कट डाउन कर दिया पूरा एकदम कंप्लीट. तो अभी आपका अगर इस सिचुएशन में अगर कुछ होता है चैनल को, तो आई डोंट थिंक आपका 2-3 महीना भी, मेरे को लगता है 4-4, 5-5 महीना खिंच जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा COVID-19 से पहले हैक हुआ था, मुझे 1 महीना लग गया और एक और बंदा है उसे 3 महीने लग गए. तो अगर आपका COVID-19 में हैक होता है तो सोचो कितना टाइम लग सकता है. मेरे को तो नहीं लगता जब तक ये पूरा सिचुएशन कंट्रोल डाउन होगा तब तक वो लोग देखेंगे भी कि चैनल हैक हुआ है किसी का. या दे वोंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट, दैट्स द थिंग, क्योंकि उनके पास है नहीं ना एम्प्लॉय, कौन देखेगा वो चीज. एग्जैक्टली, वो भी इशू है. तो आई थिंक दैट इज वन थिंग वी नीड टू लाइक बी वेरी केयरफुल अबाउट, स्पेशली क्रिएटर्स, नॉट जस्ट क्रिएटर्स, आई थिंक एवरीवन, बिकॉज आई थिंक सबका सेंसिटिव डेटा उनके ईमेल्स वगैरह पे होता ही है. एनी हाउ गूगल इज लाइक टेकिंग मेनी डेटा एंड सेलिंग इट. तो मतलब उतना ही अलाउ करो यार, उससे ज्यादा नहीं. यूट्यूब चैनल्स लेके वो बेचने नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी 2-3 लोग थे उन्होंने बताया, वो मैंने अपना चैनल सेल पे देखा वहां पे. हाँ, ब्लैक मार्केट पे इट्स देयर, दे आर सेलिंग इट. तो वैसा सीन चल रहा है, तो इसीलिए ऐसा होता है. मतलब इफ यू हैव सीन, मैंने कुछ चैनल हैकिंग चैनल्स का देखा था कि जब जिनका पूरा टेक ओवर हो गया, जैसे आपके चैनल के केस में क्या हुआ था, पूरा टेक ओवर नहीं हो पाया था, दैट वाज लाइक अ वेरी गुड थिंग. लेकिन किसी किसी चैनल्स का अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा टेक ओवर हो जाता है, इवन थंबनेल चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो जाता है और कंटेंट भी हटा दिया गया. ऐसा एंड द वर्स्ट पार्ट इज दे अपलोड एडल्ट कंटेंट ऑन दैट. मतलब जो कॉमन राज जो मैंने आपको बताया, उसके चैनल पे तो इन्होंने चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाला था, इमीडिएटली उसका चैनल बंद हुआ. हाँ, तो फिर तो वो तो खत्म ही हो गया ना, वो तो टर्मिनेट कर देंगे डायरेक्टली चैनल को. एग्जैक्टली, एंड इवन व्हेन आई गॉट द ईमेल बैक, नो, मैंने अपना ईमेल आईडी चेक किया था, जो भी मेल्स आए थे मुझे, तो यूट्यूब से मुझे 2-3 मेल आए थे, 2 मेल दोनों ईमेल आईडीज पे, वेयर इट वाज मेंशन कि यू ट्राइड अपलोडिंग अ वीडियो दैट गोज अगेंस्ट आवर कम्युनिटी गाइडलाइंस, दैट इज स्पेसिफिकली पोर्नोग्राफी एंड न्यूडिटी, सो दैट इज व्हाई वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द अपलोड ऑफ दैट वीडियो. तो मतलब मेरे चैनल पे भी अपलोड करने की कोशिश करी थी हैकर्स ने, बट देन मतलब लकीली वो हुआ नहीं. वही तो, मतलब ऐसा कर रहे हैं. और कुछ केस में तो मतलब इट्स इवन मोर डेंजरस, जैसे कि इस तरह का कंटेंट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस है. इसको तो यूट्यूब फिर भी पकड़ ले रहा है, ठीक है. हाँ. तो वी कैन से कि चलो ठीक है, वो लोगों तक नहीं पहुंचा, बट इन सम केसेस जहां पे वो लोग बिटकॉइंस को या फिर इस तरह के क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, एंड देयर आर मेनी पीपल जो फंस जाते हैं इसमें. एग्जैक्टली, लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं पूरा उसका वो लोग. वो इशू बहुत बहुत ज्यादा इशू होता है इस चीज का बाद में, लेटर ऑन इवन आफ्टर यू गेट द चैनल बैक, तो टर्मिनेटेड चैनल को भी वापस लेने में काफी टाइम लग जाता था. बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो फिर मतलब वो उनके समझ लो कि बैकअप में कहीं चला जाता है. Exactly. तो फिर उसको रिट्रीव करना ही बहुत मुश्किल है, एंड इट्स अ ह्यूज लॉट ऑफ डेटा. लाइक अगर किसी के चैनल पे 200 वीडियोस अपलोडेड है, उस सबको वापस रिस्टोर करना, इट्स नॉट लाइक एक दिन का काम तो नहीं है. बहुत उन लोगों के लिए भी एक्टिव हो जाता है, दैट्स व्हाई दे कीप सेइंग कि वी अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज लेट अस डू आवर वर्क, जो भी है. बट आई थिंक YouTube इंडिया थोड़ा सीरियस लिया इस चीज को, बिकॉज आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स इन पास्ट, लाइक ऑन इंस्टाग्राम दे हैव बीन लाइक टेलिंग हाउ टू बी सेफ ऑन यूट्यूब, बट स्टिल दे आर वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस जो लोगों को नहीं पता. आई होप लोग समझ पाए ये वीडियो भी देख के. तो बेसिक इन सिंपल वे यही बोला जा सकता है कि डू नॉट क्लिक ऑन एनी लिंक्स, इधर उधर का कुछ नहीं करने का, और इवन इफ यू थिंक कि आपका सब कुछ है, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यूट्यूब फिर भी हैक हो सकता है. ऐसे टाइम पे कुछ भी काम नहीं आता, वो आपका ब्राउजर सेशन
उनसे कर ही लेगा है. एग्जैक्टली मतलब आई डिडंट नो अबाउट दिस सेशन थिंग. इट्स गुड दैट यू टोल्ड मी. तो अब मैं भी इस चीज को ध्यान में रखूंगा और सारे लॉग आउट करके रखूंगा. वही तुम मतलब इवन आई वाज शॉक्ड जब हुआ था ये चीज क्योंकि इट शुड नॉट हैपन राइट. मतलब सालों से काम कर रहे हैं और लास्ट में ऐसे हैक हो गया तो फिर इट्स लाइक ऑल दिस फॉर नथिंग. और मेरे को ऐसा बताया गया था कि मतलब ये हैक ऐसे होता है. ऐसे इंस्टाग्राम पे भी एक सेलिब्रिटी का हैक हुआ था तो आई केम टू नो सम वीडियोस को देख के जहां वो लोग ऐसा बता रहे थे कि वो क्या करते हैं आपका इंटरसेप्ट कर लेते हैं ओटीपी को. ठीक है बट आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. ठीक है ओटीपी को इंटरसेप्ट करना इज नॉट दैट इजी. इतना आसानी से इंटरसेप्ट नहीं होता है. वो बहुत हाई लेवल की हैकिंग है. ये लोग जो कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की नहीं है. एग्जैक्टली क्योंकि ओटीपी भी अगर हैक होने लगे तो फिर मतलब व्हाट कुड बी द सेफेस्ट वे टू लॉग इन. फिर तो बैंक भी नहीं यूज करता उस चीज को. फिर तो वो सेफ है. ओटीपी में हैक करने का एक दूसरा तरीका होता है. इसमें सिम को लोग रिप्लीकेट कर लेते हैं. मतलब यू नो यहाँ पे सिम बहुत इजिली मिल जाता है ना इंडिया में. तो वो लोग अगर आपका नंबर आउट हो जाता है फोन नंबर तो वो उसको रिप्लीकेट कर लेते हैं जाके. द मोमेंट जब तक आप रियलाइज करोगे कि आपका सिम बंद हो गया तब तक तो वो अपना काम कर लेंगे. वो बहुत मुश्किल भी है. वो उतना आसान नहीं है. मतलब उसके लिए फिजिकली स्टोर पे जाना जान पहचान का कोई बंदा होना चाहिए जो आपको करके दे दे ये चीज. एग्जैक्टली और लाइक अगर देखा भी जाए तो हमारे चैनल इतने भी बड़े नहीं है कि इतनी कठिनाई कोई उठाए हैक करने कोई उठाएगा नहीं. तो वो बेसिकली सेशन ही हाईजैक करता है आपका. क्लियर जिस तरह से भी है. फिर भी आपका जैसे ऐप्स है फोन के अंदर वो सब सेफ है. इंस्टाग्राम ये सब इनमें सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं तो आपका सेशन हाईजैक नहीं हो सकता. लेकिन पीसी पे क्रोम वगैरह का ब्राउजर इनको हाईजैक करना बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है. मतलब यू कैन डू लाइक अ 7-day कोर्स एंड यू कैन डू इट. ऐसा है. तो मैं डेफिनेटली मैं लॉग आउट करके रखूंगा चाहे मैक हो या फिर विंडो हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. वही लॉग इन करके रखना भी है तो उस पर्टिकुलर डिवाइस से कुछ नहीं करने का. एंड एनी अमाउंट ऑफ वर्क इज बेटर देन गेटिंग हैक्ड कुछ भी. बिल्कुल बिल्कुल. तो बढ़िया. तो फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं फिर. सो व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स अबाउट द होल पॉडकास्ट. सो आई थिंक इट वाज वेरी गुड. आई थिंक इट वाज माय फर्स्ट पॉडकास्ट. सो इट वाज वेरी गुड टॉकिंग टू यू. कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू. थैंक यू सो काफ़ी अच्छा लगा बात करके. एंड मतलब आई थिंक आई होप कि लोगों को भी इससे कुछ वैल्यू मिला हो बी टैकिंग सिनेरियो या फिर जो कंटेंट के बारे में हमने बात किया है. और बस यही है. पॉडकास्ट इट इज मेंट टू गिव वैल्यू एंड इट इज फॉर पीपल हु लाइक यू नो बैठ के आराम से दे हैव टाइम. दैट्स हाउ इट इज. सो आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. एंड जस्ट चेक इट आउट. मतलब पूरा देखो अच्छा लगेगा सुनने में. अब तो मैं लास्ट में बोल रहा हूँ सेंस नहीं बनता बट सिर सी जो लास्ट तक देख लेगा तो बता ही देगा कि हाँ मैंने आपकी बात सुनी दी. बढ़िया है. सो बहुत मजा आया दिव्यांशु आपके साथ बात करके. थैंक यू. सेम हियर अनुज. सेम हियर. इट वाज रियली गुड पॉडकास्ट. एंड जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल हॉन्टिंग ट्यूब. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो इट्स एन अमेजिंग चैनल. अगर मतलब तुम्हें कोई हॉरर मूवी समझ में नहीं आ रही है तो यू कैन गो टू हिज चैनल एंड चेक इट आउट. और इवन इफ अगर तुमको अपने किसी क्रश को इम्प्रेस करना है जस्ट बिकॉज शी लाइक्स और ही लाइक्स हॉरर मूवीज तो यहाँ पे जाके कोई मूवी देखो और जाके फिर पटेली मारना वहाँ पे. मतलब सॉर्टेड है. थैंक यू वेरी मच. और आई जस्ट यू नो हम मैं भी यही बोलना चाहूंगा कि बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग योगी बाबा लाइक बहुत टाइम से दैट सो दिस इज लाइक अमेजिंग चैनल. वन स्टॉप यू नो चैनल. थोड़ा सा भी स्ट्रेस वगैरह है तो मतलब बस बैठो और इंजॉय करो. ठीक है. बहुत ही सही है. अपना कुछ फनी रहता है और टाइम टाइम पे थोड़ा डोज भी मिलता है रियलिटी चेक काइंड ऑफ. देना पड़ता है बीच बीच में. हाँ वो जरूरी है. वो जरूरी है. आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी यू नो थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट बट आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू वेरी मच यार. लाइक दिस टाइप ऑफ सपोर्ट वी नीड इन द कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी. तो कोई न्यू क्रिएटर भी आ रहा है तो दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस होल थिंग. या दे शुड बी. या चलो बढ़िया. सो अगली बार मिलते हैं वापस किसी पॉडकास्ट में अगर कुछ प्लान होता है तो. बिल्कुल 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 मिलते हैं. नेक्स्ट टाइम लेट्स प्लान लाइक कुछ और क्रिएटर्स को कंबाइन करके. डेफिनेटली और भी लोगों को ऐड अप करेंगे आराम से. चलो बढ़िया. चलो थैंक्स अ लॉट दिव्यांशु. थैंक यू वेरी मच टू हैव मी ऑन योर पॉडकास्ट. अमेजिंग. या थैंक्स अ लॉट. चलो बाय बाय. बाय.